महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में जहां प्रदेश सरकार संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन में जनता को राहत देने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं प्रदेश भाजपा भी अपनी विपक्ष की भूमिका को पुरजोर तरीके से निभाने में जुटी है। इसी के तहत बीजेपी की ओर से लॉकडाउन में जनता को राहत देने के लिए राशन, सैनिटाइजर और मास्क वितरण का अभियान चलाया गया है। साथ ही कम्युनिटी किचन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। इस वैश्विक आपदा में बीजेपी की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ सरकार सख्त कदम उठा रही जनता को राहत देने के लिए और कोरोना को हराने के लिए, वहीं प्रदेश की विपक्ष पार्टी भाजपा भी लगातार जनता की राहत के लिए काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार के राहत कार्य उन्होंने किए हैं। वैसे अब लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है, सरकार अपने स्तर पर कहीं प्रयास कर रही है जनता को राहत देने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ स्थितियाँ बिगड़ी हैं। पार्टी की तरफ से अब तक क्या अभियान चलाया गया है और किस प्रकार से विपक्ष की पार्टी की भूमिका अदा की है इस महामारी में? देखिए, सबसे पहले तो आमतौर पर हमारा लोगों का जो राजनीतिक लोगों का मिजाज राजनीतिक होता है, लेकिन क्योंकि महामारी बड़ी थी और मुझे भी लगता था किस तरीके से मुकाबला करेंगे, क्योंकि केवल सरकारों के बूते पर इस लड़ाई को लड़ना थोड़ा मुश्किल है, सरकारों की अपनी सीमाएं मर्यादाएं हैं। लेकिन मुझे ताजुब हुआ, आश्चर्य भी हुआ और गौरव भी हुआ कि हमारी पार्टी ने एक तरीके से सामाजिक संगठन के तौर पर काम किया और जिस तरीके से हमें प्रशिक्षण होता है उसमें सबसे पहले तो हमने एक हेल्पलाइन जारी करी और उसमें लगभग 25,000 के करीब कॉल्स आई, जिसमें से अधिकांश का निस्तारण हम लोगों ने किया। इसी तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक हेल्पलाइन अलग से चालू करी। उस हेल्पलाइन के जरिए जो सवाल आए उनका समाधान की कोशिश हम लोगों ने की और ख़ासतौर पर 3-4 तरीके से कि राशन वितरण, भोजन सामग्री का वितरण, साथ ही साथ लोगों को आरोग्य सेतु फेस कवर, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना, ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि लगभग 2.25 लाख कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में 1 करोड़ से भी ज़्यादा भोजन के पैकेट और 50 लाख से भी ज़्यादा राशन सामग्री के पैकेट, और इस बात का प्रमाण इस रूप में है कि 47 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में ये जमा होना, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम था कि केवल राजनीतिक संगठन के 100-100 रुपये के और छोटे अंशदान से इतनी बड़ी राशि इकट्ठी हो जाए। तो निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित तरीके से काम हुआ। इस महामारी के चलते जो लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और लगातार कई राज्य भी मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार एक बड़ी पैकेज की घोषणा करें। उसके बाद में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। कैसे देखते हैं इस पैकेज को, कितना फ़ायदा आम जनता को होगा और क्या इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री का सोचना सियासी था और आमतौर पर इस तरीके की डिमांड राज्यों दूसरे राज्यों के दूसरे विचारों के लोग करते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 20 लाख करोड़ ये मुख्यमंत्री जी के सवाल का माकूल जवाब था कि जिसमें आज मान लीजिए जनधन में सीधा ट्रांसफ़र हुआ 1 करोड़ 52 लाख लोगों के खातों में, महिलाओं के खातों में, तो वो निश्चित रूप से राजस्थान की उस अर्थव्यवस्था को और उस लोगों को संबल देता ही है। आज केंद्र की सरकार ने 1 किलो 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया और ऐसे लाखों मैट्रिक टन ट्रांसफ़र किया, तो उससे संबल मिला ही। नरेगा की मजदूरी बढ़ाई तो उससे संबल मिला ही। 740 करोड़ की लागत से यदि उज्ज्वला के सिलेंडर मुफ्त दिए तो उससे संबल मिला ही है। तो ऐसे बहुत सारे हेड हैं। DMFT का जो पैसा है उसमें 830 करोड़ रुपया लगभग होता है जो सरकार खर्च कर सकती है, उसकी अनुमति दी है। और इस महामारी में बात की जाए तो जो श्रमिक हैं वो काफ़ी इस समस्या का सामना उनको करना पड़ा है। देश भर की जितनी भी सड़कें हैं उस पर श्रमिक पैदल जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत हुई, राजनीति हुई, आरोप लगा जाते हैं कि राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की भी हुई है। जो गाइडलाइन बननी चाहिए थी मजदूरों की घर वापसी को लेकर वो नहीं बन पाए, क्योंकि बीच में देखने को मिला कि यहाँ से जब प्रवासी गए और भरतपुर की सीमा पर हमने देखा कि यूपी की गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, आप ही की NDA की सरकार बिहार में, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, पर तो कहीं ना कहीं सभी के लिए कमी थी, तो केंद्र सरकार की भी इसमें कमी रही? मैं ये मानता हूं कि इसमें बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा देश दुनिया ये कह रही है कि लॉकडाउन, घर में रहना, आइसोलेशन, ये सबसे बड़ा प्रमाणिक उपाय है कोरोना से बचने का। लेकिन ये एक भावुक्षण था कि मजदूर जो है वो इस तरीके से इमोशनल थे कि सड़कों पर चल निकले।
जिन सड़कों पर गुजरे उनकी प्रारंभिक जिम्मेवारी थी, वो चाहे कोई प्रदेश हो, कि उन मजदूरों की खाने पीने की, रहने की या किसी तरीके से इसके बारे में कोई नीति बनाने की। मान लीजिए राजस्थान के लगभग जो बताते हैं मुख्यमंत्री 19 लाख लोग आने हैं, पहले उन्होंने बसों की डिमांड की, कहा कि बस देंगे, फिर कहा रेल चाहिए। अब रेल का फिगर केवल 21 का है, चाहिए 1000 गाड़ियाँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की रिक्विजिशन होती तो लोग शायद आराम से आ सकते थे। ऐसी चीज़ों के लिए कोई बहुत ठोस रणनीति बहुत पहले से नहीं बनती है, तात्कालिक उपाय होते हैं। मान लीजिए सड़क पर कोई मजदूर जा रहा है तो राजस्थान की सरकार के पास रोडवेज की बसेस थी, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था पड़ोस के राज्यों से ठीक तरीके से बात करके। लेकिन मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी तालमेल की कमी थी और राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी थी और इसके कारण ये शायद हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सबक है, चुनौती भी है और आने वाले समय में शायद इस तरीके का दृश्य देश में नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि प्रदेश में इस महामारी से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाई है और सरकार के साथ साथ जितनी भी मदद लोगों की करनी चाहिए थी उसमें आगे बढ़ चढ़ कर की। कैमरा पर्सन रामकिशन के साथ पिंटू सिंह नरू का एवं टीवी जयपुर।